मैं हूँ विशु और मेरी जिंदगी पहले बहुत अच्छी चल रही थी। मम्मी पापा देखो रिजल्ट आया है। हाँ बता कितने नंबर आए हैं? पापा 95% आए हैं। देखा सुमन, देखा ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। एक दिन डॉक्टर पायलट इंजीनियर में से कुछ ना कुछ बन के दिखाएगी तुझे। और हाँ ये एक दिन ना सूरज पे रहने के लिए जाएगी, जवान है मेरी, मेरी बेटी है क्योंकि ये। बता बेटा बता, आज तू जवान दे, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए क्या है मेरी बेटी को बता। एप्पल का फोन पापा, एप्पल का फोन। छोटी सी मांग रही है तू है, खरबूजे का फोन दे, तरबूज का फोन दे, लेकिन छोटी चीज है एप्पल तो बड़ी चीज मांग। मेरी बेटी को पापा कार्ड से नहीं कैश से फोन दिलाएंगे, कैश से। मेरी बेटी है? तेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी है ये, मेरी बेटी। मेरे दो मिनट, मेरा फोन आ रही है, दो मिनट। और उस फोन के बाद मेरी खुशियों को लगता है ग्रहण। पापा कैश दो ना जल्दी से, एप्पल का फोन लेके आना है। पहले तो तुम्हारे पास जो सा फोन है ना वो वापस करो, वापस करो। तेरी बेटी है ये, तेरी बेटी, तेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ा इसे। वो शर्मा जी की लड़की देखी है, 99% आई है उसके 99, और ये तेरी बेटी की देख ले, तेरी बेटी के मुंह मंडवा दी इसने मेरी, बाद में किसी को शक्ल दिखाने जोगा नहीं रहा। वो तो वैसे भी नहीं हो। और वो था शर्मा जी का ग्रहण। बेलपुरी बेचने के लायक है तेरी बेटी, वो भी शर्मे की बेटी के ऑफिस के बाहर। पापा उससे सिर्फ 4 नंबर तो कम है, वो भी उसने ना चीटिंग करके सेटिंग करके लिए। हाँ तो तू भी कर लेती चीट, लड़कों को तो बहुत चीट करती है तू। चीटिंग करती मैं? भाई अगर ऐसे माँ बाप होंगे ना तो देश के बच्चे ना टीचरों को पढ़ा रहे होंगे। शर्मा की बेटी तो पढ़ाते टीचरों को। मुझ मुड़वा दी मेरी, चलिए। I love you. ए उठ, ए उठ जा। और बुझ गए। मम्मी अब तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। सिर्फ 8? वो शर्मा की बेटी को देख ले, 7 बजे उठती है, 7 बजे। हे भगवान है कहाँ रे तू? मुझे लगा शायद शर्मा जी की बेटी का बुखार उतर जाएगा मेरे घर वालों के सिर से। खा लो। और बताओ मलाई कोफ्ते बनवा दूं? बनवा दोगे? शरीर सिर्फ खाने के लिए तो होता है, कसरत करने के लिए थोड़ा होता है। वो शर्मा जी की लड़की देखी है? शर्मा की बेटी 4 टांगे और 5 सिर लेके पैदा हुई है क्या? वो क्या खास है यार उसमें, सारे उसी के बारे में बातें करते हैं। चल नहीं करता शर्मा जी की बेटी के बारे में बात है, पर उसके 4 टांगों वाले कुत्ते से ही कुछ सीख ले, उसका तो भोका हुआ भी लोगों को समझ आता है। जाके ना पापा आप ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियो, सुबह सुबह मेरा खून मत पियो। शर्मा जी की बेटी की तरह ना पार्क में जाकर दौड़ लगा अच्छे से, नहीं तो फिर मैं तुझे दौड़ लगवाऊंगा। बूट पाकर भाग ले जल्दी से। पहले आप तो दौड़ लगा लो, पेट देखो कहाँ जा रहा है आपका। यही है वो शर्मा जी की बेटी। हाय हाय, तुझे क्या लगता है इतनी एक्सरसाइज करने से तो कैटरीना कैफ बन जाएगी? तेरी वजह से दौड़ना पड़ रहा है मुझे शर्मी।
अब तक तो शर्मा की बेटी जैसे बनते बनते मेरा खून निचड़ ही गया था। ए उठ जा सारा दिन लेटी रहती है। पिछवाड़ों को तकलीफ दे दिया कर, उठ के बैठ ही जाया कर। सारा दिन लेटी रहती है। वो शर्मा जी की लड़की को देख ले, सारे घर की सफाई करवा रही है अपनी माँ के साथ। वो शर्मा के बेटे पूरे घर की सफाई करवाते हैं, तू पूरे मोहल्ले की सफाई करवा, तू पूरे रोड साफ कर, जा पूरे रोड साफ करके आ, जा घर के बाहर के सारे रोड साफ करके आ, चल जा। रोड? वो शर्मा की बेटी, चल जाओ। मैंने नहीं करनी। ऐसे कैसे करेगी? अब तो हद ही हो गई। शर्मा की बेटी को तो मैं बताऊंगी। अरे शर्मा जी आइए, शर्मा जी आइए। बैठिए शर्मा जी, अपना ही घर समझिए। अरे ऋषु की मम्मी, चाय बना के लेके आओ, देखो कौन आया है। अरे भाभी जी, शर्मा जी आए। शर्मा जी, अरे ऋषु की मम्मी, तुम रहने दो बेटा, तुम आओ। ऋषु बेटा तुम आओ। ये बेटी की तो, अरे ऋषु बेटा देखो कौन आया। शर्मा जी आए। शर्मा जी ध्यान रखना, तुम्हारी ना मम्मी नहीं आनी चाहिए इधर। चलो फिर मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ शर्मा जी, बैठिए चाय पानी पी के जाइए। ऋषु बेटा ऐसे करो, एक तीखी सी चाय बना के लेके आओ, कम दूध वाली। ओ पधारिए प्रभु पधारिए, आपके दर्शन पाके तो इतना महसूस हो रहा है कि आपकी खोपड़ी को ना 21 तोपों की सलामी दे दूं। अरे बेटा क्या मजाक कर रही है तू, जा खाने के लिए कुछ इंतजाम कर, जा। जी पापा बताइए, शर्मा अंकल क्या खाएंगे, या फिर मैं कहूँ कौन सा बॉडी पार्ट खाएंगे? दिमाग खाएंगे जो कि रायता बन चुका है इनकी वजह से, या फिर रोस्टेड चिकन खाएंगे जो मेरे घर वालों ने बना दिया है। अरे शर्मा जी घबराइए मत, मेरी बेटी ना बहुत मजाक करती है, बहुत मजाक। अरे नहीं नहीं मैं तो अभी रोटी खा के आया था ना घर से, इसीलिए। अरे शर्मा जी घबराइए मत बेटा, जाओ चटनी के साथ ना समोसे लेके आओ, लाल चटनी होनी चाहिए तीखी वाली। हाँ हाँ मेरे खून में डबो डबो के खा लेना समोसे। अरे वो फिर से मजाक कर रही है। वो आपकी बेटी मजाक बहुत करती है। अरे चले छोड़िए ये सब, आप बताइए किस काम से आना हुआ? ये पूछिए क्यों आना हुआ। अरे वो ना मेरी लड़की। हाँ हाँ डब्बा डब लगे हुए आग लगाने के लिए, मेरे घर वाले तो पहले शर्मा जी की बेटी से सीख लो, शर्मा जी की बेटी को देख लो, शर्मा जी के कुत्ते जैसे भौंक लो। और तो और मेरे घर वाले यहाँ तक कहते हैं कि शर्मा जी की बेटी की जैसे फ्लश कर लो बस। और तो शर्मा जी चाहिए मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी खंडर। और इनको चटनियां चाहिए समोसों के साथ खाने के लिए। अरे भास्कर तो चुप नहीं करती। हाँ शर्मा जी की इन्हीं चुगलियों ने डुबोया हुआ है मुझे। शर्मा जी आप प्लीज जाके ना रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो मैं रेस्ट इन पीस हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मेरी बात तो सुन लो, आपकी बेटी तो शताब्दी एक्सप्रेस के ऊपर चढ़ी हुई है, दबा दब बोले जा रही है। मैं आपसे मदद मांगने आऊँ, कोई चुगलियां नहीं करने आया, मेरी लड़की भाग गई है घर से। क्या भाग गई? बॉयफ्रेंड के साथ भागी होगी पक्का। बॉयफ्रेंड? हाँ हाँ दूध की धूली नहीं थी आपकी वो शर्मा, रोज स्कूल से बंक मारते थे वो दोनों, क्या पता आज शिमला गए हो। क्या शिमला? वैसे वो शर्मा ना बिल्कुल शर्माती नहीं थी, एक काम तो उसने बहुत अच्छा किया बॉयफ्रेंड बनाने का, शिमला गई है घूमने शिमला। मैं भी ना पापा तीन तीन बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, शिमला मसूरी जम्मू कश्मीर गोवा सारा इंडिया घूम लूंगी, फिर बनूंगी शर्मा जी की बेटी जैसी। अरे नहीं बेटा, अरे ऐसे नहीं करते बेटा, मेरी बात सुनो बेटा, इधर आओ। अरे बेटा, अबे शर्मा तेरी दोस्त।
तरीके से किसी और जैसे बनो ना, आधा दूर अभी क्या फायदा।